जय हिंद। आप सबको पता है कि भारत एक अखंड भारत था जो अफगानिस्तान से शुरू होते हुए श्रीलंका और बर्मा तक जाता था। आखिर ये कैसे टूट गया और राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, और ये संविधान में इसकी जो चर्चा है 22 भाग में से जो पहला भाग है वो भाग एक है, इसको हम समझते हैं। देखिए, शासन चलाने के लिए, देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान, जिसे हम पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस किताब में 22 लेसन है, इसके लेसन्स को हम भाग कहते हैं। आप कोई किताब पढ़िएगा तो उसमें लेसन आएंगे। तो इसमें 22 भाग हैं और उसमें कुछ टॉपिक बाई टॉपिक लिखे गए हैं। जैसे आपके में तीर दे दे के लिखते हैं ना टॉपिक, उस टॉपिक्स को बोलते हैं अनुच्छेद। तो टोटल आर्टिकल यानी अनुच्छेद 395 है। अगर आप ABCD की बात नहीं करेंगे, तो ABCD करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो ABCD को हम कंसिडर नहीं, हम न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। अब एक चीज होती है आपकी IPC ताजिरात हिंद दफा 300, ऐसे सुने होंगे आप लोग, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। IPC क्या कहता है कि पुलिस आपको किसी क्राइम के बाद कैसे लतियाएगी, इसकी चर्चा IPC में है। IPC के टॉपिक्स को हम लोग धारा या सेक्शन कहते हैं। पुलिस लतियाने के बाद कोर्ट में भेज देगी। अब जज साहब आपसे मतलब वो सवाल जवाब करेंगे, तो उसकी चर्चा CRPC में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इसके जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम लोग सेक्शन या धारा कहते हैं। तो इस सब के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाए हुए हैं। तो ये धारा वगैरह हो गई। अभी हमें समझना है वो पॉलिटी का भाग वन। 22 भाग में से पहला भाग तो अभी खत्म कर लीजिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये पॉलिटी उतना टफ नहीं है जिन्हें अपना टफ बना दिया गया है। तो भाग एक जो है, इसमें क्या एक ही भाग में क्या पूरे के पूरे 395 अनुच्छेद तो आएंगे नहीं, कुछ ही अनुच्छेद आएंगे भाग संख्या एक में। तो भाग एक में हम देखते हैं वो कि भाग एक में जो अनुच्छेद आते हैं यानी टॉपिक आते हैं वो 1 से 4 तक आते हैं। यानी भाग एक कंप्लीट कर लिए तो 1 से 4 तक आप समझ जाएंगे, और इसी को समझेंगे कि कैसे भारत टूटा, अखंड भारत से कैसे अफगानिस्तान टूटा, बर्मा टूटा, बांग्लादेश और पाकिस्तान कैसे सब अलग हो गए। इस जो भाग एक का नाम है, एक्चुअली संविधान जो था ना वो इंग्लिश में लिखा गया था, बाद में उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। तो भाग एक का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जो संघ है वो भारत का एक जो संघ है और उसका क्षेत्रफल कहाँ कहाँ तक है, राज्य क्षेत्र मतलब एरिया कहाँ कहाँ तक है जहाँ भारत के नियम लगेंगे। तो ये तो चैप्टर वन की बात हो गई। अब इसमें क्या क्या लिखा गया है वो अनुच्छेद के हिसाब से। तो पहला अनुच्छेद यानी फर्स्ट आर्टिकल में क्या लिखा गया है, तो इसमें 3 बातें लिखी गई हैं। पहले आप नॉर्मली तीनों बातों को समझिए। अनुच्छेद एक यानी आर्टिकल एक में पहली बात जो लिखी गई है, भारत राज्यों का एक संघ है यानी यूनियन है। भारत यहाँ पे ना इंडिया और भारत दोनों शब्द है, लिखा गया है कि इंडिया यानी भारत। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये पटिशन किया गया था कि भारत का नाम इंडिया से हटाकर भारत कर दिया जाए, क्योंकि हर जगह भारत का प्रयोग होता है। हम कहते हैं भारत माता की जय, नहीं कहते हैं इंडिया माता की जय, हमें भारत रत्न दिया जाता है। राष्ट्रीय गान में भी जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, हर जगह ही आप जहां भी देखेंगे वो भारत ही प्रयोग ज्यादा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फालतू का पटिशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि संविधान में ऑलरेडी कह दिया गया इंडिया डेट इज भारत, तो दोनों ही नाम कंसीडर है आपके भारत के लिए। तो भारत जो है वो देश नहीं है, यहां क्या कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक संघ है। अब संघ और फेडरेशन में कुछ अंतर होते हैं, पहले उसे समझ जाइए। देखिए, हम लोग फेडरेशन में नहीं आते हैं, हम लोग आते हैं यूनियन में। 3 चीजें होती हैं, एक होता है कॉन्फेडरेशन, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनियन। तो हम लोग आते हैं यूनियन में। कॉन्फेडरल उसे कहते हैं परिसंघ हिंदी में, जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुटकर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। यह परिसंघ बड़ी कमजोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। लेकिन फेडरल थोड़ा सा अलग होता है। फेडरल में राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, और हर राज्य जो होते हैं वो अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और कहते हैं कि भाई साहब आप इन शक्तियों का प्रयोग करिए। लेकिन फेडरल और कॉन्फेडरल दोनों में देखिए, कॉन्फेडरल का ही थोड़ा सा सभ्य रूप, थोड़ा शक्तिशाली रूप फेडरल है। फेडरल में कोई भी राज्य उस देश से अलग हो सकता है, और यूनियन एक ऐसा देश होता है जिसमें राज्य अलग नहीं हो सकते। तो मेन यही अंतर है कि फेडरेशन वह राज्य होता है जिसमें कोई भी राज्य अलग हो सकते हैं उस देश से, यूनियन एक ऐसा देश होता है जिसमें कोई अलग नहीं हो सकता है, कॉन्फेडरल ऐसा होता है जिसमें जब मन तब अलग हो सकते हैं। तो भारत फेडरल नहीं है, भारत एक यूनियन है। यहां के कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर एड़ी चोटी लगाते रह गया, उसे समझ में आ गया कि अलग होने वाले
पहले नहीं है, चाहे वो सेवन सिस्टर के लोग हो जाए, जो राज्य पहले थोड़ा सा मांग उठा था उन लोग का भी। तो यूनियन और फेडरेशन में यही अंतर होता है। अमेरिका देखेंगे तो अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अमेरिका फेडरेशन इसलिए है कि इसके जो राज्य हैं एक समझौता करके एक देश का निर्माण किए हैं, अतः समझौता टूटा तो ये राज्य टूट जाएंगे। कई बार अमेरिका टूटा भी है। अभी जो 50 राज्य है ना, तो आप देखेंगे उन 50 राज्यों का संविधान अलग है, उन 50 राज्यों का झंडा अलग है, उन 50 राज्यों की नागरिकताएं अलग है। तो ये देखिए हम यहाँ पे 50 राज्यों का झंडा लगा दिए, जैसे यहाँ पे अलास्का का है, एरिजोना का है, यहाँ पे कई राज्य हैं इसके, टेक्सास है, जॉर्जिया है, तो सब राज्यों का झंडा अलग है, करेंसी एक ही रहेगी, फ्लैग वगैरह अलग रहते हैं। तो ये फेडरेशन है। अगर कल को चाहता है फ्लोरिडा, जैसे ये फ्लोरिडा यहाँ राज्य है, इसका झंडा इस टाइप का है, चाहेगा कि अमेरिका से अलग हो जाए, तो समझौता तोड़ के अलग हो सकता है फेडरेशन। लेकिन ये फेडरेशन पढ़े लिखे लोगों में सफल होता है, अनपढ़ लोगों में ये फेडरेशन सफल नहीं हो पाएगा। तो भारत ने देखा कि अगर हम फेडरेशन बनाएंगे भारत को, संविधान वालों ने देखा, तो यहाँ 75 भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग रहन सहन है। उत्तर भारत में लुंगी का प्रचलन नहीं है, दक्षिण भारत में लुंगी एक महत्वपूर्ण प्रावधान उन लोग का होता है, कपड़े में गिना जाता है, जबकि उत्तर भारत राजस्थान में देखेंगे तो पगड़ी है, पंजाब का अलग है। तो उन्होंने देखा कि भाई अगर हमने फेडरेशन बना दिया तो आगे चल के ये अलग हो जाएंगे, इसलिए भारत ने फेडरेशन न चुनकर भारत ने यूनियन बनाया। यूनियन को भी हिंदी में संघ कहते हैं, फेडरेशन को भी हिंदी में संघ कहते हैं। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत राज्यों का क्या है, तो ऑप्शन डी पे लिखा जाता है संघ, उसे मत मारिएगा। ऑप्शन बी पर लिखा जाता है यूनियन, तो उसे मारिएगा, क्योंकि संघ की तो दो दो इंग्लिशें होती हैं, फेडरेशन भी होता है, यूनियन भी होता है। लेकिन भारत में एक एक्सेप्शन था, अब नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर भारत में था, लेकिन उसका संविधान था, उसका अलग एक झंडा था, उसकी अलग एक नागरिकता थी जो 370 के तहत थी, वो एक अलग टॉपिक है, उसमें समझा देंगे आपको कैसे हटाया गया था। ये जम्मू कश्मीर का झंडा था, अब जम्मू कश्मीर का झंडा खत्म हो गया, अब पूरे भारत में हो गया। तो अब भारत पूर्णतः यूनियन हो चुका है, यहाँ के कोई राज्य अलग नहीं हो सकते, ये अलग हो सकते हैं। और ये शुरू में तो और कमजोर था, यहाँ का नियम कानून तो वो कन्फेडरल था, कन्फेडरल फेडरल से ही कमजोर होता है। आप एक ऐसे एग्जाम्पल में समझिए, हम एक दीवाल बना रहे हैं, नॉर्मली ईंटा साज दिए, यहाँ कोई सीमेंट का प्रयोग नहीं किए, तो सबसे कमजोर दीवाल होगी, जब मन तब कोई ईंटा खींच सकते हैं, यानी एक इसको देश समझिए तो ईंटे को राज्य समझिए, आराम से निकल जाएगा। तो ये कन्फेडरल है, परिसंघ है, ये सबसे कमजोर होता है, अभी ये दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इसी ईंट के बीच में अगर हम सीमेंट लगा के जोड़ दें तो ऐसी दीवार बन जाएगी, तो ये हो जाता है फेडरल, यानी संघ, जो अमेरिका है। लेकिन अगर छीनी हथौड़ी से आप थोड़ा सा ठोक ठाक करिएगा तो ये आराम से टूट सकता है। अतः फेडरल में अगर समझौता टूटा तो राज्य टूट जाएंगे। लेकिन अगर इसी राज्य ये ईंट के ऊपर प्लास्टर कर देंगे इस तरह से, अब भाई साहब ईंट ईंट से जुड़ा हुआ है, बाहर एक प्लास्टर है, तो वो प्लास्टर भी हो गया, अब तो निकल ही नहीं सकता है। तो सबसे मजबूत जो होता है वो यूनियन होता है। तो भारत यूनियन है, लेकिन हिंदी दोनों का एक ही हो जाता है संघ, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो भारत के जितने राज्य हैं, जो लोग मतलब अब तो कोई भी राज्य ऐसा नहीं कहता कि भारत से टूटेंगे, वो कश्मीर का था मैटर, वो तो सॉल्व हो गया। तो भारत राज्यों का एक संघ है, ये चीज आप समझ में आ गया। हम लोग यहां पर आते हैं यूनियन में। दूसरा, इसी आर्टिकल 1 में बोला गया है कि भारत में जो राज्य है वो हमको कैसे पता चलेगा कि भैया कौन कौन राज्य है। मान लीजिए विवाद हो गया कि बिहार भारत का राज्य है कि नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक लिखा हुआ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 1 में वो लिखा ही नहीं है कि बिहार भारत का राज्य है, बल्कि वो एक इशारा कर दिया है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। अनुसूची क्या होती है, एक अलग से एक टॉपिक बना दिया गया है। जैसे ये भारत का संविधान है, इतना मोटा नहीं है, ये बाइलिंगुअल है, एक और इंग्लिश लिखा है, एक और हिंदी लिखा है, इसलिए मोटा लग रहा होगा, इसका आधा है, इतना ही है संविधान, आप पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि हम पहली अनुच्छेद यानी आर्टिकल में नहीं बताएंगे कि कौन कौन सा राज्य है। अगर आप ये जानना चाहते हैं, राज्यों के नाम जानना चाहते हैं, तो आप जाइए अनुसूची शेड्यूल में जाइए। तो संविधान के शुरुआत में ही 4 पन्ना जोड़ दिया गया है, जिसे कहते हैं शेड्यूल, और इसी शेड्यूल में हर एक राज्यों के नाम लिखे गए हैं, कौन कौन से राज्य हैं। तो जब भी विवाद होगा कि कौन सा राज्य भारत का है या नहीं, तो आप अनुच्छेद 1 में आएंगे तो यहां आपको एक दूसरा डायरेक्शन दिया जाएगा कि आपका कॉल फॉरवर्ड किया जा रहा है शेड्यूल की ओर। तो राज्यों को किस अनुसूची में रखा गया है, पहली अनुसूची में। और इसमें एक और बात कहा गया है, अब दिल्ली हो जाएगा, कहेगा हम केंद्र शासित प्रदेश है, राजस्थान कहेगा हम पूरा राज्य है, अब राज्यों की भी कैटेगरी है, तो इसको भी अनुच्छेद 1 में रख कर दूसरे ओर डाइवर्ट किया गया। कहा गया है कि भारत में जितने भी राज्य हैं इस संविधान के तहत, उन्हें 3 प्रकार से बांटा जाएगा।
जो बड़े राज्य हैं जिनका अपना खुद का क्षेत्रफल बड़ा है उन्हें हम स्टेट कहेंगे, वर्तमान में 28 हैं। जो छोटे छोटे राज्य हैं लेकिन राष्ट्रीय महत्व के हैं तो उन्हें हम यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित कहेंगे, ये दूसरा टाइप का हो गया। अभी 8 केंद्र शासित हैं, आगे समझा देंगे। और तीसरा टाइप हो जाएगा अर्जित क्षेत्र। वर्तमान में भारत के पास कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है। जैसे मान लिया कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग हो रही है, भारत वहां पे स्वतंत्र करा के उसे कह दे कि नहीं बलूचिस्तान पे मेरा कंट्रोल रहेगा, तो वो इसमें आ जाएगा अर्जित क्षेत्र में। इसलिए देखिए संविधान वाला कितना होशियार था, एक टॉपिक बना के गया है सब क्या चीज की अर्जित क्षेत्र है, भले उसमें है या नहीं है लेकिन एक मौका मिलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, अर्जित क्षेत्र ला सकते हैं यहाँ पर। तो आप मोटा मोटी समझेंगे तो आप यहीं पे देखेंगे तो भारत राज्यों का यूनियन है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं वो यहां बताया गया है कि ये पता करने के लिए अनुसूची एक में जाइए, और साथ ही साथ उनमें कैटेगरी कौन कौन सी है तो इसमें बोला गया है 3 प्रकार की कैटेगरी होती है और भारत राज्यों का एक यूनियन है। तो अनुच्छेद संख्या 1 कंप्लीट हो गया। अब 2 समझते हैं। आर्टिकल 2 में कहा गया है, अनुच्छेद 2 में, कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर अगर कोई देश है तो उसे वो भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो मिलना चाहता है उसे मिला सकता है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति का मतलब यह नहीं होता है कि राष्ट्रपति से पूछेगा। देश में राष्ट्रपति की उतनी ही अहमियत है जितना परिवार में फूफा जी की अहमियत होती है, वो नाराज हो ना हो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां तो इज्जत देने के लिए भले लिख दिया गया है कि पूर्व अनुमति, लेकिन एक्चुअली में यह होता है उन्हें बस सूचना दे दिया जाता है कि हम फला राज्य को मिलाने जा रहे हैं। सपोज नेपाल बड़ी कूद रहा है यहां पर, अब मान लीजिए, हम समझने के लिए बोल रहे हैं भाई, नेपाल के लोग आप बुरा नहीं मानेंगे, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। मान लीजिए नेपाल को लगा कि नहीं भारत में मिल जाना चाहिए, तो संसद राष्ट्रपति को सूचना देंगे, अरे राष्ट्रपति जी पहाड़ी पे बैठा है। कौन पहाड़ी है? भिकना पहाड़ी नहीं, रायसीना की पहाड़ी। तो रायसीना की पहाड़ी पे उनको फोन कर देंगे मोदी जी, अरे राष्ट्रपति साहब जा रहे हैं नेपाल को मिलाने, तो क्या करेंगे? हाँ ना, ना कहिए नहीं सकते, ना कहेंगे तो उन पर महाभियोग लग जाएगा। राष्ट्रपति को प्यार से लतिया देना महाभियोग कहलाता है, अनुच्छेद 61 में, ये बाद में बताएंगे। तो राष्ट्रपति को सूचना दे दिया जाता है कि हम जा रहे हैं करने के लिए, और उसके बाद संसद उसे आराम से मिला देती है। और ऐसा किया भी गया है। 16 मई 1975 को सिक्किम जो था, ये सिक्किम हम लोग का था ही नहीं, ये एक दूसरा देश था, सिक्किम स्वतंत्र था, इसके ऊपर था तिब्बत। चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया 1959 में, और यहाँ के लोगों को इतना कूचा, और परिवार में 4 आदमी है ना, तो एक को उधर भेज दिया, एक को इधर छितार दिया यहाँ पर, और तिब्बत में तिब्बत के लोगों की कमी हो गई, तो तिब्बत से कभी मांग ही नहीं उठती है स्वतंत्र करो हमें। तो सिक्किम देखा कि ससुरा हमरो कब्जा कर लेगा, हम तो अपने ही चुकी हैं, हमको मारेगा तो खत्म ही हो जाएंगे। तो भारत से कहा कि हम आप में मिल जाते हैं, लेकिन आप ऐसा तो नहीं कीजिएगा कि हमारे 4 आदमी के परिवार है तो एक को केरला भेज दीजिए, एक को राजस्थान, 2 को अंडमान भेज दीजिए। भारत ने कहा कि देखिए भाई, हम वसुधैव कुटुंबकम के रहने वाले, यदि आप हमारे में मिलेंगे तो आपको वो सारे अधिकार दिए जाएंगे जो भारत के अन्य जितने राज्य हैं उन्हें ये अधिकार प्राप्त हैं। तो इस प्रकार सिक्किम राजी हो गया। तो 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन सिक्किम डायरेक्ट नहीं बना था, सिक्किम उसके लिए कुछ काम किया था। पहले वो ट्राई किया था कि भारत में हमें रहना ठीक है कि नहीं, तो इसके लिए संविधान में 35वां संशोधन किया गया 1974 में, और सिक्किम को एक सह राज्य बनाया गया कि वो ना मेरा राज्य है ना पड़ोसी है, वो विदेशी है लेकिन हमारी तरह एकदम सह राज्य, मतलब एक साथ को स्टेट की तरह व्यवहार करेगा। और इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 2 का ए, लेकिन बाद में सिक्किम के लोगों को लगा कि नहीं, ये तो भारत एकदम हमारी तरह है, तो सिक्किम को अगला संशोधन करके 36वां संशोधन 1975 में करके सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। आज सिक्किम के लोगों, हम सब सिक्किम के लोग भी को पता है कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हम लोग भी जब इलाहाबाद में पढ़ते थे तो एक दो दोस्त हम लोग के थे सिक्किम के, कोई व्यवहार भेदभाव नहीं किया जाता, वो लोग भी एकदम भारत को अपना समर्पित रहते हैं। ये भारत है, यहाँ जो आएगा वो इस जमीन को चूमेगा, जो यहाँ आया वो इस सौभाग्य हम लोग का जो इस पावन धरती पर हम लोगों ने जन्म लिया। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। तो अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है? विदेशी राज्य को भारत में मिला लो। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है? भाई एक तो कह दिया भारत राज्यों का यूनियन है, 2 कह दिया विदेशी को मिला लो, और अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद वर्तमान में भारत में जितने राज्य हैं उनमें तोड़ फोड़ कर सकता है, यानी किसी राज्य का नाम बदल सकता है। कभी देखिए ना, कलिंग से हो गया उत्कल, उड़ीसा, ओडिशा, कई बार नाम चेंज होता है,
जाता है, हो जाते हैं सबकी, अक्सर नाम चेंज हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला नाम था यूनाइटेड प्रोविजन, मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविजन। तो संसद किसी भी राज्यों के नाम बदल सकती है, उन्हें सीमा बदल सकती है, यानी यूपी से कुछ काट के मध्य प्रदेश को दे सकती है, बिहार से कुछ काट के बंगाल को दे सकती है। तो सीमा भी बदल सकती है, नाम भी बदल सकती है, और बिना उस राज्य के सहमति। तुम घुसियाए हो चाहे कुछ किए हो, इससे मतलब नहीं है। संसद केवल एक फॉर्मेलिटी निभा देती है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति से कहती है, सुनिए राष्ट्रपति साहब, आप उस राज्यवा को फोन कर दीजिए तो कि हम थोड़ा तोड़ने जा रहे हैं, याद करिए तेलंगाना के लोग। राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश से कहा था कि हम आपको तोड़ना चाहते हैं तेलंगाना में दो भाग में। आंध्र प्रदेश के लोगों ने, वहां की असेंबली ने इसका पूरा विरोध किया था, असेंबली से पास नहीं हुआ था कि हमें तोड़ा जाए। लेकिन 2014 में चूंकि इलेक्शन थे और डिमांड था वहां पर, तो इसलिए राज्य तुम जाओ उससे कोई मतलब नहीं है, ये यूनियन है, यूनियन में केंद्र को जा दे सकती है। और संसद ने साधारण बहुमत यानी 50% से पास कर दिया कि आंध्र प्रदेश को तोड़ा जाएगा। आंध्र प्रदेश टूट गया, तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के लोग चिल्लाते रह गए, काहे तोड़ा, तेलंगाना टूट के अलग हो गया। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि विदेशी को मिलाइए, और 3 कहता है जो मिलल है तो उन्हें को घोर घार के थूर थार के जैसे करना है करिए, बिना उस राज्य की अनुमति के। इसके कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देखिए। मध्य प्रदेश से तोड़ दिया गया छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को, उत्तर प्रदेश से तोड़ दिया गया उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से तोड़ दिया गया झारखंड को 15 नवंबर 2000 को। और जम्मू कश्मीर के लोग चिल्ला रहे थे 370। अरे भाई साहब, आप पढ़े क्लास काहे नहीं किए? असल में उस समय हम यूट्यूब पर क्लास नहीं लेते थे। अगर यूट्यूब पर क्लास लेते ना तो उन लोग को पता रहता कि भाई साहब इतना मत कूदो, क्योंकि अनुच्छेद 3 कहता है कि बिना राज्य की अनुमति है तुमको तोड़ देंगे। तो जम्मू कश्मीर के लोग जो कहते थे कि हम अपना देश बनाएंगे, अरे भाई साहब अब तो आप राज्य भी नहीं रहे, केंद्र शासित हो गए। यही हो गया भाई साहब। हिटलर ने भी क्या कहा था कि जनता को इतना ना चूस दो कि जिंदा रहने को ही वो अपने लिए विकास समझे। बस यही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोग कहते थे कि हम देश बनाएंगे, मोदी जी ने ऐसे में काम किया, उनको राज्य भी नहीं छोड़ा। तो आज लोग कहते हैं नहीं हम देश अब छोड़े, अब हमको कम से कम राज्य बना दीजिए। अरे बाप रे भाई, मोदी बैठल है। जो व्यक्ति पत्नी से नहीं डरा ना, दुनिया में किसी से नहीं डरेगा। देखिए, अब इसी में ना एक और विवाद चालू हुआ था, आपको पता होगा, बेरुबरी यूनियन केस 1960 में क्या हुआ था। बेरुबरी पश्चिम बंगाल का एक गांव था, वहां से एक केस किया गया था भारत के ऊपर। क्या केस था? तो देखिए इसकी शुरुआत कैसी हुई। ये भाई साहब सीरियल रेडक्लिफ, ये भारत के विभाजन करने आए थे। 2 दिन में भारत का विभाजन करके रख दिया ये आदमी। सोचिए, ये भारत को कभी जानता नहीं था कि यहाँ कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ कई धर्म रहते हैं, धर्म के नाम पर यहाँ कितनी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं आज़ादी से पहले से लेकर आज तक में। ये आया, टेबल पे भारत का नक्शा रखा और काटना चालू कर दिया, यहाँ से ले लिया। इसने कहा कि भाई साहब ये वाला रहेगा, ये इधर से, ये इधर पाकिस्तान, एगो इधर खींच दिया, ये हो गया बांग्लादेश। इसी का नाम हो गया सीरियल रेड क्लिफ, जिसे आप शॉर्टकट में रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इसने कैसे किया? तो नक्शा लिया भारत का, जितने इधर पुलिस स्टेशन थे ना, सारे पुलिस स्टेशन पर इसे डॉट डॉट बनाया, सबको खींच दिया, कहा कि लो इधर वाला पाकिस्तान, इधर तुम, इधर भी कहा अच्छा इसको भी बांटना है, पूर्वी पाकिस्तान को भी, कोई दिक्कत नहीं। सारा पुलिस स्टेशन को मिलाया, घचाक से एक लाइन खींच दिया, हो गया। पता चला किसी का घर इंडिया में रह गया, खेत बांग्लादेश में चल गया, किसी का द्वारा इंडिया में है, आंगना चल गया बांग्लादेश में, अजब अजब कांड करके चल गया। अरे भाई, इनका अपना रहता तब ना समझ में आता, यही कांड हो गया। इसमें सबसे फेमस हो गया बेरुबरी। बेरुबरी क्या था? तो वो भारत में था, यहाँ बांग्लादेश में था, यहाँ पर भारत में, लेकिन इसको ना रियल में जाना चाहिए था बांग्लादेश में, क्योंकि यहाँ सारे लोग मुस्लिम थे, लगभग 90% से ज़्यादा लोग मुस्लिम थे। और बांग्लादेश में भी कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग हिंदू थे, इन्हें आना चाहिए हिंदुस्तान में और इस जमीन को जाना चाहिए बांग्लादेश में, ये होना चाहिए। तो भारत ने सोचा कि एक काम करते हैं, बदला बदली कर देते हैं, कहते हैं कि भाई वो मेरी ज़मीन है, तुम रख लो और वहाँ के लोग को यहाँ भेज दो, ये तुम्हारी ज़मीन है बांग्लादेश, इसे हम रख लेते हैं, यहाँ के लोगों को तुम रख लेते हो। तो कितना अच्छा था। लेकिन जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में, नेहरू जी ने, उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सोचा कि आराम से करा लेंगे, खान सर तो बताइए किए हैं कि संसद कुछ भी कर सकती है, राज्यों के नाम परिवर्तन सीमा कर सकती है। लेकिन भाई साहब, खान साहब से ज़्यादा होशियार है सब सुप्रीम कोर्ट का जज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नेहरू जी, ये जो नियमवा लग रहा है ना, ये ये केवल हिंदुस्तान पे लागू होता है कि आप एक राज्य को तोड़ के दूसरे को दे सकते हैं। आपका मन है तो आप पटना जिला को उठा के राजस्थान
को दे दीजिए, आप अंदर जितना खरमंडल मचाना है मचाइए, लेकिन ये अधिकार आपको कोई नहीं देता है यहाँ से अनुच्छेद 3 से कि आप भारत के किसी जमीन को विदेश को दे दीजिए। इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो नेहरू जी ने सोचा संविधान में संशोधन कर दे और इस मामला को सलटा दे, लेकिन भारत में बड़ी विरोध हो गया। सोचिए, नेहरू जी से एक समय से मामला अटकता हुआ अब बांग्लादेश और भारत के लोगों में बड़ा वो होने लगा कि भाई आप खुद सोचिए ना कि आप छोटे से एरिया में घिर के रह गए। नरेंद्र मोदी जी जब आए तब उन्होंने शेख हसीना से जाके ये समझौता करके संसद में पारित कराया। सोचिए, नेहरू जी के समय का मामला आट के नरेंद्र मोदी जी किए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का कोई जनता विरोध नहीं किया, लेकिन नेहरू जी का विरोध किया। तो हमारे देश में भी एक खराबी है, हम लोग ये नहीं देखते हैं ना कि देश के लिए सही है या गलत है, हम लोग पार्टी का चेहरा बन जाते हैं, ये गलत है। आखिर वही काम कर रहे थे, जल्दी सुलट जाता। खैर, राजनीतिक में नहीं जाना चाहिए। अब भाग एक में केवल 4 अनुच्छेद थे, 1, 2, 3, 4, चौथा पर ये बड़ा सिंपल है। चौथा कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसे 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का साइन होना जरूरी है, लेकिन इन दोनों चीज को राष्ट्रपति का साइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही राष्ट्रपति को सूचना दे दिया जाता है कि हम विदेशी राज्य को मिलाने जा रहे हैं और या वर्तमान को तोड़ने जा रहे हैं। अब इस अनुच्छेद में कुछ छुपी हुई बातें क्या हैं, ध्यान से समझिए, जिसे हम रेड कलर से लिखें। अनुच्छेद 4 कहता है कि किसी विदेशी राज्य को मिलाने के पहले या वर्तमान किसी राज्य को तोड़ना अगर चाहते हैं तो आपको संसद में 2/3 यानी 66% वोट की जरूरत नहीं है, आपके पास केवल 50% वोट है। तो आप समझिए कि आप कर सकते हैं। और आप बताइए, 50% वोट मतलब 545 जो है हमारे यहाँ कितने हैं सर, 545, इसका अगर आप निकालेंगे 50% तो 272 होता है, तो जिसे 273 मान लेते हैं, 275 आदमी कैसे आएगा, काट के नहीं ना आएगा, 273, तो 273 कोई हम साधारण बहुमत कहते हैं जिसे 50% हो गया। तो अब ये 273 सरकार के लिए चाहिए, तो यानी जो भी सरकार है उसके पास 273 बहुमत है और वो आराम से इस दोनों काम को कर सकती है, यानी ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। दूसरा इसमें छुपी हुई बात क्या है कि ये विधेयक यानी 2 और 3 का प्रयोग करते पहले यानी विदेशी राज्य को मिलाने और वर्तमान राज्य को तोड़ने से पहले ही हम राष्ट्रपति को सूचना दे देते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, इसलिए राष्ट्रपति को ये अधिकार ही नहीं है कि राष्ट्रपति उसको लौटाए कि आपने ऐसा क्यों किया, भाई हम तो पहले ही आपको सूचना दे दिए थे। इसलिए राष्ट्रपति इस पर साइन करने के लिए बाध्य है, बाध्य बनाने के लिए इसे 368 के बाहर रखा गया है। और इस अनुच्छेद की और छुपी हुई बात क्या है कि हमारे संविधान में एक अनुसूचियां हैं, कई 12 अनुसूचियां हैं, उस अनुसूची में एक में लिखा गया है कौन कौन सा राज्य है। अब एक बात बताइए, आप किसी विदेशी राज्य को मिला लिए या किसी राज्य को तोड़ दिए तो अनुसूची एक में भी तो जाके वहां चेंजिंग करना पड़ेगा ना कि भैया हमने ये वाला राज्य मिला दिया या ये वाला राज्य तोड़ दिया, तो अनुसूची एक में भी आपको चेंजिंग करना पड़ेगा इसी के साथ, उसमें भी राष्ट्रपति टोक टाक नहीं करेंगे। और अनुसूची 4 जो है उसमें लिखा गया है कि किस राज्य से कितने सांसद उठेंगे राज्यसभा के लिए, तो भाई आपने तोड़ दिया या मिला दिया तो जेन्युइन है, कुछ चेंज हो जाएगा, तो साथ ही साथ आपको अनुसूची 4 में भी चेंजिंग करना पड़ेगा और उसमें भी आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। यह संविधान का था आपका भाग संख्या 1। तो संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक चालू होता है जो कंप्लीट हो गया। 1 कहता है भारत राज्यों का यूनियन है, 2 कहता है विदेशी को मिलाओ। देखो संविधान वाला कितना होशियार था सर, पहले कहा कि विदेशी को मिला लो 2 में, और उसके बाद कहा अब मिल गया ना, अब जो वर्तमान में आ गया इसको कुछ काच करके कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और अनुच्छेद 4 में कहा है कि ये दोनों काम आप साधारण बहुमत से कर सकते हैं, राष्ट्रपति इसमें बाध्य रहेंगे आपकी बात को मानने के लिए। अब अखंड भारत को समझते हैं। ये नक्शा देखिए, ये है हमारा अखंड भारत, इतना बड़ा भारत था लेकिन इसके टुकड़े होते गए क्योंकि हम आपस में लड़ते गए थे, इसीलिए टुकड़े हुए। सबसे पहले जो हुआ 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई, यहां पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो उस समय भारत में ही था, यहां खींच दिया गया डूरंड लाइन, उस पार हो गया अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान को अंग्रेजों ने साइड कर दिया क्योंकि वहां पहाड़ वगैरह ज्यादा था, उतना उपयोगी नहीं था, तो यह हो गया डूरंड लाइन। ये वर्तमान में अलग करती है
अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, लेकिन जब ये खींचा गया था तो ये अफगानिस्तान और भारत की सीमा बनाती थी। एक डूरंड कप भी होता है, एक मैच जो फुटबॉल से संबंधित होता है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो ये अखंड भारत का पहला टुकड़ा। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा हो गया 1935 में। 1935 में यहां से म्यांमार जो उस समय उसका नाम था बर्मा था, ये अलग हो गया यहां से। और इस साइड से ये देखिए ये पाकिस्तान अलग हो गया। अब पाकिस्तान का विभाजन इस आधार पर हुआ था कि जिधर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है उसे पाकिस्तान बना दिया जाए, तो इधर भी मुस्लिम ज्यादा थे, तो ये हो गया पश्चिमी पाकिस्तान और ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान, जो आगे जाकर बांग्लादेश हो गया। इस पर एक अलग वीडियो बना दिए हैं, बांग्लादेश कैसे अलग हुआ था। अब बच गया हिंदुस्तान, इतना बढ़िया। अब ये हो गया आपका कैरियल रेट के सीरियल रेट क्लिप रेखा, जो भारत पाकिस्तान को विभाजन करती है, और भारत बांग्लादेश के बीच जो है बॉर्डर उसे हम लोग जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। भारत को जब आज़ादी मिली तो भारत का निर्माण करना इतना आसान नहीं था, और वल्लभ भाई पटेल को कोई ऐसे ही लौह पुरुष नहीं कहता है। ये भारत का नक्शा देखिए, यहाँ जो आप रेड कलर वाला एरिया देख रहे हैं केवल वहीं पर अंग्रेज शासन करते थे, जबकि पीले वाले एरिया में भारतीय राजाओं का शासन था जो अंग्रेजों के चमचे बने हुए घूम रहे थे। तो अंग्रेजों के जो चमचे बने के घूम रहे थे तो उन्हें हम लोग देसी रियासत कहते थे। तो जब देश आजाद हुआ तो भारत में कई देसी रियासत थे, तो अंग्रेजों ने कहा कि देखिए भाई साहब ये जो मेरा ब्रिटिश वाला एरिया है हम तो आपको दे ही देंगे, लेकिन उन्होंने इस पीले वाले क्षेत्र से कहा कि आप या तो पाकिस्तान में मिल जाइए या तो भारत में मिल जाइए, आपका मन तो आप स्वतंत्र राज्य भी बना सकते हैं, देश भी बना सकते हैं। तो पाकिस्तान में कुल 13 देसी रियासतों ने विलय कर लिया। इसकी बात छोड़िए, यहाँ पर भारत की बात करते हैं। भारत में जो प्रिंसली स्टेट थे, जो देसी रियासत थे, उनकी संख्या 552 थी। इन 552 राज्यों को मिलाकर एक फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, क्योंकि फेडरेशन बनाते तो फिर टूट जाते हैं। इसलिए सरदार पटेल की जिम्मेदारी दी गई कि इसको मिलाकर यूनियन बनाइए। इस काम में तीन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, सरदार पटेल, वीपी मेनन उस समय के आईएएस अधिकारी सचिव हुआ करते थे, और माउंट वेटन का भी योगदान है। ये तीनों क्वेश्चन पूछता है। एक बार एग्जाम में पूछा था कि राज्यों के एकीकरण में किसका योगदान था, सरदार पटेल और वीपी मेनन का नाम ही नहीं था, तो उस समय आप लगाएंगे माउंट वेटन को। इन तीनों लोगों की ने मिलकर 552 राज्यों को आपस में मिला दिया, लेकिन तीन राज्य ससुरे बड़ी मनबढ़ था सब। अब वो तीन राज्य कौन कौन से, तो भाई एक हैदराबाद, यहां देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये पहले एक स्टेट हुआ करता था हैदराबाद, आज भले एक शहर है एक स्टेट हुआ करता था। हैदराबाद के राजा का अलग ही डिमांड था, उनको अलग राज्य चाहिए था। अरे भाई साहब, भाई ये अलग देश कहाँ बनाएंगे बिचुआ में से, यहाँ से अलग देश के लिए। लेकिन यहाँ पर अराजकता फैल गई, मारपीट बहुत होने लगा, तो भारत सरदार पटेल ने चारों ओर से पुलिस भेज दिया। चारों ओर से वो आर्मी थी पुलिस की वर्दी में गई थी, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया। इनके स्वतंत्र देश का सपना हमेशा के लिए टूट गया यहाँ पर, तो ये ऑपरेशन पोलो सफल हुआ। दूसरा ये वाला राज्य था जूनागढ़ क्या था कि जूनागढ़ की जनसंख्या जो थी अधिकतर जनसंख्या हिंदू थी, लेकिन वहाँ के राजा जो थे वो मुस्लिम थे। तो जूनागढ़ ने कहा कि नहीं भाई, हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। अरे भाई साहब, तू यहाँ से पाकिस्तान में कैसे जाएगा? तो सरदार पटेल ने जूनागढ़ में रेफरेंडम करा दिया, जनमत संग्रह। वहाँ के लोगों से पूछा आप कहाँ रहना चाहते हैं, ज़्यादातर लोगों ने कहा हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। बस जैसे हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, ये वाला भी मैटर सल्व हो गया। लेकिन अलग मैटर हो गया जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर की सिचुएशन थोड़ी अलग थी, यहाँ जनता ज़्यादातर मुस्लिम थी लेकिन राजा हिंदू थे, राजा हरि सिंह। और राजा हरि सिंह ने अलग टाइप का डिसीजन ले लिया। उन्होंने कहा कि ना हम भारत में मिलेंगे और ना ही हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हम एक अलग देश बनाएंगे। तो अंग्रेजों ने तो खुली छूट दी थी कि भाई जिन्हें अपना देश बनाना है बना ले, तो भारत ने कुछ नहीं किया। और लेकिन पाकिस्तान ने ना वहाँ से दगाबाजी किया, पाकिस्तान आतंकवादियों को घुसा दिया इस एरिया में, धड़ाधड़ यहाँ आतंकवादियों का पूरा घुस गया सब, इतना एरिया में आतंकवादी पूरा घुस गए थे सब। अब राजा हरि सिंह को लग गया कि अगर हम अपना देश बनाने के लिए चलेंगे ना तो मेरा परिवार भी नहीं बचेगा, तो भागे भागे आए नेहरू जी के पास। हे नेहरू जी, बचा लीजिए, हमको पाकिस्तान मार रहा है। तो नेहरू जी कहे हाँ एकदम बचा लेंगे हम, हे सरदार पटेल जी देखिए तो बचाइए इनको। तो सरदार पटेल कहे छोड़ दीजिए ओकरा, बड़का होशियार बनते थे, अलगे देश बनाएंगे, जो देश बनाओ हमारा कौन सी घटा लेके हम तोरा बचाने आएंगे, काहे लिए बचाएंगे। तो हरि सिंह ने कहा कि महाराज पटेल जी बचा लीजिए। तो सरदार पटेल ने कहा कि एक्के शर्त पे बचेबो, पहले तुम साइन करो किस पर, एनेक्सेशन पर। तो उसने
साइन किया इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सेशन, मतलब विलय पत्र पर साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को कि हम अब भारत में मिल रहे हैं। तो सरदार पटेल ने कहा इन होशियारी हुआ, अब हम सेना भेजते हैं। तब यहाँ से भारत में सेना भेजा गया और भारत की सेना उनको खदेड़ दिया यहाँ पर। और भारतीय सेना उस समय बहुत ही बहादुरी से लड़ी थी, और वो क्योंकि अंग्रेज हमें अंधेरी गली के मुहाने पर छोड़ के चले गए थे और स्टार्टिंग में युद्ध झेलना पड़ गया था। और इस वक्त में नौशेरा में पाकिस्तानी फौज बहुत बहादुरी से लड़ रही थी, वो सब बहुत खतरनाक लड़ रहे थे। तो भारत के ब्रिगेडियर थे उस समय ब्रिगेडियर उस्मानी, ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि जब तक हम पाकिस्तानियों को खदेड़ नहीं देते तब तक हम जमीन पे सोएंगे, इसलिए उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता था। और इनके बदौलत बहुत पूरे भारतीय सैनिक की बहादुरी के बदौलत यहां लड़े, और यही वाला एरिया जब तक भारतीय सेना पहुंचे पाकिस्तान कब्जा कर चुका था, जिसे आज भी हम पीओके के नाम से जानते हैं। और यही सीज फायर बन गया और कश्मीर भी भारत का एक अंग बन गया। सरदार पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने मिलकर 552 देशी रियासतों को तो मिला दिया, लेकिन चौपट कर दिया कब, जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में भारतीय राज्यों को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया। इस टाइप में बांटा गया, ABCD टाइप में बांट दिया गया। ए में किसे रखा गया, वह एरिया जहां पर अंग्रेजों का शासन था। बी में रखा गया वह एरिया जहां देसी रियासतों का शासन था। सी में रखा गया वह एरिया जहां अंग्रेज, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज न केवल उस शहर पर कब्जा कर रहे थे, जैसे अजमेर के अगल बगल में नहीं किए थे, मेन सिटी अजमेर, भोपाल, इस सब टाइप में, तो उसे कमिश्नरी स्टेट कहा गया, उसे सी टाइप में रखा गया था। और डी में तो यूनियन टेरिटरी, जिसमें केवल आपका अंडमान निकोबार था। तो इस तरह से भारत थे साहब, अजी बताइए, इस तरह से भारत का नक्शा था। देखिए ना, ये अजमेर अलग है, भोपाल अलग है, इस टाइप का मैसूर में अलग था, कमिश्नर का शासन चल रहा था, अलग अलग टाइप का था भाई, प्रिंसरी स्टेट वगैरह थे। तो अब क्या किया जाए प्रिंसरी स्टेट में, अब इसका शासन करने में बड़ा दिक्कत होता था। तो इसको बेहतरीन ढंग से बनाने के लिए कई कमिटीज का गठन किया गया, जिसमें सबसे पहली कमेटी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज एसके धर कमीशन, जिसे एसके धर आयोग कहते हैं, 1948 में बैठी थी। इन्होंने कहा, इनसे कहा गया क्यों ना हम भाषा के आधार पर राज्य बना दें, कि जहां पंजाबी भाषा बोली जा रही है पंजाब, जहाँ कन्नड़ बोली जा रही है कर्नाटक, इस तरह से जहाँ गुजराती है तो उसे गुजरात। तो एसके धर ने कहा कि ये सरासर गलत होगा। तो उसके बाद एक और कमेटी उसी साल गठित की गई, JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया, ये तीनों लोग की समिति ने भी कहा कि भाई भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, उन्होंने भी इसका विरोध किया। लेकिन इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया, मोड़ आया 1952 में। 1952 में ये वाला एरिया मद्रास था, देखिए कितना बड़ा था ये एरिया मद्रास, तो मद्रास से काट कर यहाँ आंध्र प्रदेश बनाने की बात चल रही थी कि ये एरिया आंध्र प्रदेश बना दीजिए, हम मद्रास में नहीं रहेंगे। तो सरकार इनकी बातों को नहीं मान रही थी, क्योंकि सरकार कोई भी काम करती है कमेटियों की सिफारिश पर, दो दो कमेटी कही थी कि भाई हम भाषा के आधार पर नहीं करेंगे। लेकिन पेट्टू श्री रामलू नाम का एक व्यक्ति था जिसने कहा कि हम मद्रास में नहीं रहेंगे, क्योंकि मद्रास के निचले भाषा में तमिल भाषा बोली जा रही है और हम तेलुगु बोलने वाले हैं, हमें आंध्र प्रदेश चाहिए। नेहरू ने कहा नहीं देंगे। तो ये भूख हड़ताल पर बैठ गया, अई जवान 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठ गया। 56 दिन पर भूख हड़ताल पर बैठने के बाद दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई तब भयानक बगावत शुरू हो गया दक्षिण भारत में, और लोगों ने कहा कि ससुरा इन नेहरू जो है ये तो डलहौजी से भी खतरनाक है, भूख ले छोड़ दिया यहाँ पर, मर गए ये लोग। अब नेहरू का कह रहे, फंस गए नेहरू। तो नेहरू जी को आनन फानन में जनता की बात मानने के लिए मजबूर होकर 1 अक्टूबर 1953 यानी अगले साल, नेहरू जी ने बहुत सोचा था कि इसको लेपापोती करके दबा दे, लेकिन दब नहीं पाया और आंदोलन बढ़ने लगा और लोग भूख हड़ताल पर बैठे। नेहरू कहा कि भाई साहब सब मरिए जाएगा सो तो हमारी कुर्सी चल जाएगी। तो 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर सरकार ने भाषा के आधार पर मद्रास को तोड़ दिया और कहा कि जो नीचे बोले जाएंगे तमिल वाले उनका हो जाएगा तमिलनाडु, जो मद्रास के ऊपर में तेलुगु बोलते हैं उनके लिए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुल्लूर बनाई गई थी। तो क्वेश्चन दो पूछता है यहाँ पर, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन था, तो एसके धर आयोग 1948, हालांकि ये दोनों आयोग ने 1949 में रिपोर्ट दिया था। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो पहला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जैसे ये राज्य बना, देहात में कहा जाता है छुए के छुओनी लाग गई, मतलब किसी चीज को टच कर दे तो आदमी परक जाता है। बाकी राज्यों ने देखा कि अरे भाई साहब हम भी राज्य भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे, तो गुजरात वाला कह रहा है कि भाई साहब ये बम्बई यहां से यहां तक है, ये हमारा अलग रहेगा, गुजरातियों के लिए गुजरात, मराठियों के लिए महाराष्ट्र, ले भाई साहब बवाल चालू, सबके लिए, सबको अलग अलग भाषा के लिए।
सरकार पगला गई कि एगो को मनाने के चक्कर में गए ना पूरे भारत में बवाल हो गया। इसलिए सरकार ने सोचा कि हम सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे खान बहादुर सर सईद फजल अली, जिन्हें हम लोग शॉर्टकट में फजल अली कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज फजल अली के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया और उन्हें कहा गया कि आप डिसीजन लीजिए कि देश का भविष्य किसमें ठीक है, भाषा के आधार पर किया जाए या क्षेत्र के आधार पर किया जाए। तो फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, एक फजल अली थे, 2 अन्य लोग थे। इसका गठन 1953 में हुआ था, लेकिन ये 2 साल बाद रिपोर्ट दिया था, 3 साल बाद 1956 में। याद रखिएगा, गठन 53, 56 पूछता है, ज्यादातर रिपोर्ट पूछता है 1956। इसने कहा फजल अली आयोग ने कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देना उचित है, गुजरात बोलने वाले गुजरातियों के लिए गुजरात दे दिए, मराठियों के लिए मराठी दे दिए, लेकिन ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि जिन्हें गुजराती नहीं आती है वो गुजरात में नहीं रह सकते हैं, जिन्हें मराठी नहीं आती है वो मराठ में नहीं रह सकते, वो सबके लिए रहेगा। यानी कि एक राज्य एक भाषा वाला कानून नहीं होना चाहिए, जो आज महाराष्ट्र के कई लोग ऐसे न्यूज में आ जाता है कि भाई महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है। हालांकि हम ग्राउंड लेवल पे नहीं जानते हैं, जो ऐसे न्यूज आते हैं उसे हम लोग आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे देश में ऐसा होता भी नहीं, आप दिल्ली जाइए तो हर जगह के लोग रहेंगे। तो फजल अली आयोग ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन सेटलमेंट कर दिया, राज्य पुनर्गठन कर दिया, और इन्होंने कहा कि इसी आधार पर आप राज्यों को बांटिए, भाषा के आधार पर। और इस आधार पर इन्होंने जो बांटा, तो इसकी बात को कोई क्यों मानेगा, फजल अली की बात को हम क्यों मान लें, हमें आज़ादी मिली है, हमने अपने सांसद चुने हैं, संसद में पारित कराइएगा तब ना मानेंगे। तो इसको लागू कराने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ी, तो 7वां संशोधन 1956 में किया गया, और इसी संशोधन के द्वारा फजल अली आयोग के सिफारिशों को मान लिया गया। क्वेश्चन कहेगा फजल अली आयोग के सिफारिशों को मानने के लिए या राज्य पुनर्गठन करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया, तो 7वां संशोधन, और इसके आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। उस समय 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। हम ये बता देंगे कि 6 से केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं, ये आगे टॉपिक है उसमें बताएंगे। तो ये भी याद रखिएगा, फजल अली आयोग के द्वारा 14 राज्य 6 केंद्र शासित यानी टोटल 20 बनाए गए। उस समय का ये नक्शा है 1956 का टोटल, ये इस हिसाब से। अभी भी गुजरात और महाराष्ट्र एक ही में थे, ये आगे जाकर फिर से अलग हुए। एक समस्या आई थी पंजाब के साथ, पंजाब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, उसका पुराना नाम था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिसे हम पेप्सू कहते हैं। इसको विभाजन करने के लिए ना क्या किया गया, एक आयोग का गठन किया गया, एक कमीशन का। उस कमीशन का नाम था शाह आयोग। शाह कमीशन ने 1966 में अपनी सिफारिश दी और कही कि इस पंजाब का विभाजन जरूरी है। इस पंजाब का वह एरिया जो पहाड़ी एरिया यानी हिमालय जहां है, उसे हम हिमाचल प्रदेश बना देते हैं। इस पंजाब का निचला भाग जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है, उस हिंदी भाषा वाले को हरियाणा बना देते हैं। और इस पंजाब का पश्चिमी भाग जहाँ पर मुख्य रूप से पंजाबी भाषा बोली जाती है, उसे हम पंजाब बना देते हैं। और पंजाब और हरियाणा के बीच एक कॉमन एरिया बना देते हैं, जो दोनों की राजधानी रहेगी, जिस पर किसी का अधिकार नहीं रहेगा, उस पर राष्ट्रपति का अधिकार रहेगा, केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, यूनियन टेरिटरी यानी यूटी बना दिया जाएगा, उसे चंडीगढ़ कह देंगे। तो जिसे आप पेप्सू देख रहे थे वो 4 भाग में टूट गया। तो पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया था शाह आयोग के सिफारिश पर। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो अखंड भारत के नाम से जाना जाता था, वो सिमट कर इतने में रह गया जिसमें 28 राज्य बचे। पहले 29 राज्य थे, तो जम्मू कश्मीर से राज्य की दर्जा छीन ली गई, तो राज्य बच गए 28। 9 केंद्र शासित हो गए, पहले केंद्र शासित कितने थे, 7, लेकिन जम्मू अलग लद्दाख अलग 2 केंद्र शासित बन गए, तो 7-2-9 हो गए। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादरा नागर हवेली और दमन दीव, ये 2 अलग अलग हैं, इन्हें एक में केंद्र शासित बना दिया जाएगा। इस प्रकार केंद्र शासित की वर्तमान संख्या 8 हो गई है और स्टेट्स की संख्या अभी 28 है। आप जनरली थोड़ा सा समझिए केंद्र शासित क्यों बनाए जाते हैं। वैसा राज्य जो बहुत छोटा है और उसकी संस्कृति अलग है और उसे राष्ट्रीय हित में रखना है, वरना वो अलग भी हो सकते हैं, जैसे अंडमान निकोबार। आप बताइए अगर यहां कोई मुख्यमंत्री का शासन दे देते हैं, तो हो सकता है कि विदेशी शक्तियां चाइना इन्हें अपने प्रभाव में मुला के और केंद्र सरकार को दिल्ली में जब तक पता चले यहां सेना बुला के इसे अलग कर सकती। इसलिए सरकार ने इसे केंद्र शासित बना दिया कि यहां मुख्यमंत्री रहेगा नहीं, सीधे यहां क्या हो रहा है यह दिल्ली डिसाइड करेगी। जैसे यहां लक्षद्वीप, पाकिस्तान इधर से आके भी मिला सकता है मुख्यमंत्री को, पैसा उसे दे देगा, कहे कि तुमको और
देंगे, भाई कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहा गया भाई साहब यहाँ तुम टाम झाम करवे नहीं करो, यहाँ का सारा डिसीजन दिल्ली लेगा। ऐसे ही पाकिस्तान यहाँ पे कर रहा था जम्मू कश्मीर में, मोदी जी ने कहा कि एक काम करे भाई तुम राज्य रहवे नहीं करेगा, मुख्यमंत्री वगैरह नहीं रहोगे यहाँ पर। मुख्यमंत्री क्यों बनाए जाते हैं, वहाँ विधानसभा होती है। तो कह दिया भाई यहाँ का सारा शासन दिल्ली देखेगा और यहाँ पर एक असेंबली बना दी गई जिसमें मुख्यमंत्री, जैसे केंद्र शासित के मुख्यमंत्री के पास ज़्यादा पावर नहीं रहता है, सारा डिसीजन दिल्ली से लिया जाता है। तो राष्ट्रीय महत्व का होनी चाहिए, संस्कृति अलग होनी चाहिए, देश की मुख्य भूमि से दूर होना चाहिए। कई रीजन है जिसे बनाए जाते हैं, इसके लिए संविधान में अलग प्रावधान है। कौन सा राज्य कब बना यहाँ पर हम सबका डेट बाई डेट यहाँ लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसका PDF वगैरह एप्लीकेशन में है, जब तक आप इसी पे क्लास रेगुलर देखिए। आज संविधान का आपने एक भाग को खत्म कर दिया, अभी संविधान में टोटल 22 भाग थे, एक खत्म हो गया, 21 बचा। आई होप आप ये सब चीज़ों को समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।